मैं सुनील बरसिया, भीम आर्मी प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश। ये सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही है, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आने वाले? देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा हम लोगों ने भोपाल से 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ की थी, जो कि चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, सतना, आपका शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, तो हम सभी संभागों में होते हुए दोबारा से जो है भोपाल में BHEL मैदान में समापन हो रहा है। इसमें जो सारे जो बहुजन समाज के संगठन हैं, जैस, OBC महासभा, गोडवाना गणतंत्र पार्टी, अहरवार संघ और जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं और बागड़ी समाज के जितने भी जो संगठन हैं बहुजन समाज के और गुजर समाज के संगठन हैं, और इन सभी संगठनों ने मिलकर के हमको समर्थन दिया है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का वादा भी किया है। तो हम लोगों ने जो BHEL मैदान में जो आम सभा होगी, इसमें लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठे होंगे। और इससे पहले एक बार जब चंद्रशेखर आजाद जी 2 जनवरी 2022 को जब मध्य प्रदेश आए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के प्रशासन ने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने का काम किया और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग एयरपोर्ट में अंदर भाई से मिलने गए, जब दोनों भाई, तो हमने भाई से एक वादा किया था कि भाई आप जब मध्य प्रदेश आओगे भोपाल की धरती में, तो लाखों के लोगों के सैलाब लेके आएंगे। चंद्रशेखर भाई ने कहा था कि तुम इसको भूलना मत। तो हम दोनों भाई नहीं भूले। 2023 वो एक साल बाद, वैसे हमारा 2 जनवरी का प्लान था कि हम 2 जनवरी दोबारा दोहराएं, लेकिन माननीय चंद्रशेखर जी का भीमा कोरे गांव हर साल जाना होता है, तो माननीय संस्थापक महोदय ने कहा कि नहीं आप आगे बढ़ाइए, नहीं हम 2 जनवरी को इतिहास दोबारा दोहराते और लाखों का जन सैलाब आएगा। और शिवराज सिंह चौहान अब रोक कर बताया माननीय चंद्रशेखर जी को, और देखना आप BHEL मैदान के साथ साथ पूरा भोपाल आप सैटेलाइट से देखोगे तो नीला दिखेगा उस दिन। देश के विधानसभा चुनाव में देखिए, हमारी राजनीतिक बैंक के प्रदेश सदस्य माननीय सुनील आस्ते जी हैं और हमारे बीच में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय रविंद्र भाटी जी हैं। ये इनका निर्णय है, इनकी पार्टी की जो कोर कमेटी के लोग हैं वो तय करेंगे। हमारा काम है सामाजिक जो है आंदोलन करना, तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक अन्याय बहुत हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर OBC SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय की जो हक अधिकार हैं और ख़ास करके आरक्षण को ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने भी अपना एक पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम इस पे हम एक राय मशवरा बनाएंगे, एक कमेटी बनाई है, तो सरासर ये गलत है। वही अगर जाति आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर करना है, तो पहले आप जाति और जाति ख़त्म कीजिए, आप जनगणना कराइए। तो इन सब चीज़ों को तो सरकार भूल रही है, लेकिन कई स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार भी आरक्षण को खत्म करने वालों के साथ में है। जैसा कि आपने बताया, इसमें आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परमिशन बहुत मुश्किल से मिली, किस तरह की कठिनाई? कठिनाई इस प्रकार से कि परमिशन को लेकर भाई कहा गया कि आप तो भीम आर्मी से हैं, आपका ऐसा है और आप आरक्षण के समर्थन में कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब आरक्षण के विरोध में लोग रैली कर सकते हैं, तो समर्थन में क्यों नहीं? अगर आपने हमें परमिशन नहीं दी तो माहौल पूरा तैयार है, और 12 फरवरी को अगर आपने हमारे लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो फिर जहां पर भी आप रुकोगे वहीं पर चक्का जाम होगा और वहीं पर बदबस बंद होगा। तो इससे सरकार ने हमें काफ़ी समझाने का प्रयास किया। हम बैठे यहां के पुलिस कमिश्नरी ऑफिसर से हमारी लगभग बहुत बातें हुई। एक स्थिति तो ऐसी आई थी कि हम लोगों को धरना देना पड़ा कमिश्नर के सामने। तो उन सब चीज़ों से लेकर सरकार बैकफुट पर आई और उनको हमें परमिशन देना पड़ी। अगर परमिशन नहीं देते तो फिर हम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करते हैं। 12 तारीख को माना जाए कि जो 12 तारीख का आंदोलन है, उससे मध्य प्रदेश चुनाव का आगाज होगा। बिल्कुल, हमने कहा ना मिशन 2023 का आगाज विधानसभा चुनाव का, वहीं से आगाज होगा। किसी अन्य पार्टी का भी गठबंधन करने की बात, वो हम सामाजिक न्याय की पहल करते हैं, जिनको सामाजिक न्याय चाहिए वो हमारे साथ में आए, हम स्वागत करते हैं। 230 विधानसभा में आपका पूरा फोकस रहेगा या कुछ पार्टियां? अभी तो हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 230 विधानसभा पर तैयारी कर रही है और हमारा संगठन निर्माण कर रहे हैं। जैसा भी हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश होगा, वैसी हम आगे रूपरेखा प्लानिंग करेंगे और चुनावी रणनीति बनाएंगे। इसको लेकर हमारी एक कमेटी भी है, वो तय करती है कि हमें क्या करना है। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से हूँ। सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही है, इसमें किस तरह की सहभागिता रहेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की? हमारी पार्टी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी है,
जो 12 तारीख को भोपाल में जमहूरी मैदान में जो सामाजिक न्याय यात्रा भीम आर्मी के द्वारा युवा संघर्षशील नेता जो चंद्रशेखर आजाद जी है, हम उनका पूरा समर्थन पार्टी की ओर से करते हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमने पहले भी हमारे जो प्रदेश संयोजक बैरिसह जी है, सुनील आस्ते जी है, उनको हमने पूरा प्रदेश को आश्वस्त किया है कि हमारा जो संगठन है, हमारा राजनीतिक दल होने के साथ साथ में हमारे राजनीतिक दल के साथ में अनेक इस मध्य प्रदेश में सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, तो हम पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं। और आए दिन जो अत्याचार हो रहे की घटनाएं हो रही है हमारे समाज के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर, जिस तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे आरक्षण और संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ पे हम लोग तन मन धन से इस संगठन के साथ पे आज मैदान में डटे हुए हैं। एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, मध्य प्रदेश प्रभारी और राजस्थान प्रभारी। जो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो करनी सेना ने कुछ दिन पूर्व किया था, उसके मुकाबले आपका कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है? आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के में पहले तो कोई मुकाबला किसी से है ही नहीं। ये संघर्ष से हमारी पार्टी बनी है, आंदोलनों से बनी है, हमारे नेता हैं, उन्होंने पूरे देश में जहाँ जुल्म जाति होती है, अत्याचार होते हैं, वहीं पहुँचते हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी से भी पहले पहुँचता है और जो आरोपी उन्हें जे सलाखों के पीछे भिजवाता है और पीड़ित को न्याय दिलवाता है। रही बात सामाजिक न्याय यात्रा की, हम जब पार्टी नहीं थी तब भी हम आंदोलन करते थे और जो प्रमुख मांगें होती हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और पीड़ित की, चाहे वो किसी जाति का हो, यदि कोई हमारे कार्यकर्ताओं के पास मांग लेकर आता है कि हमारी आवाज़ उठाओ, तो हमारे नेता और हमारे तमाम कार्यकर्ता उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। अब आजाद समाज पार्टी का निर्माण जो हुआ है वो संघर्ष और आंदोलनों से हुआ है। हमने पूरे देश के सामने मध्य प्रदेश के साथ साथ एक राजनीतिक विकल्प रखा है, जो अच्छे लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें और बाबा साहब और मान्यवर साहब के सपने को साकार करें। रामप्रीत गुर्जर, अभी गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है, गुर्जर सम्राट मीर भोजरी, उसके लिए हम रामप्रीत गुर्जर, अभी मैं आजाद समाज पार्टी में सदस्य हूँ। अभी जो गुर्जर सम्राट मीर भोज का जो आंदोलन चल रहा है, उसके लिए हमारे युवा साथी पूरा मध्य प्रदेश और दादरी कांड सारे चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ यही विषय है कि एक तरफ तो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरे तरफ इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। जैसे आपने भोपाल में देखा हो, सर्व समाज के नाम पर यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया गया, किसानों के नाम पर बुलाया गया, पर उसके बाद हमारे आरक्षण के खिलाफ और गुर्जर समाज के प्रति टिप्पणी की गई। ये लोगों का यही काम है कि पहले बुलाते हैं वो काम करते हैं। जैसे ग्वालियर में मूर्ति विवाद है, अध्यक्ष जी को भी जानकारी है, उसमें ये मूर्ति इनके ही क्षेत्रीय विधायक सतीश अग्रवाल जी ने उसका उद्घाटन किया था, सारे पार्षद इनके ही थे, उनके द्वारा ही वहाँ लगाई गई थी। उसके बाद जो वहाँ से सांसद थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद उसको ढक दिया गया। ऐसे बोरेश्वर मंदिर है अटेर, वहाँ भी गुर्जर शब्द हम लिखवा कर आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने यही हाल मचा रखा है। और जो सीएम साहब जो ओबीसी के नाम पे बैठे हुए हैं, आप बताइए कितनी बेशर्मी की बात है। एक बार मंडल कमीशन की कभी बात निकली हो इनके मुंह से, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कभी मंडल कमीशन की बात निकली हो, आप बताइए। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हम यहाँ रहने वाले हैं, और हम लोगों को मतलब यहाँ परमिशन लेने के लिए उसके लिए इतना दर दर और सारी चीज़ करना पड़ती है। जिसने सीएम को गालियाँ दी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिसने गालियां दी, उनका तो स्वागत किया गया और आपने बयान भी सुना होगा कि ये तो हमारे अपने लोग हैं। लेकिन ओबीसी के नाके, चूंकि वो भूल जाते हैं, वो बात नहीं करते मंडल कमीशन या कोई भी, लेकिन चूंकि वो ओबीसी से हैं, जब हमने ग्वालियर में आंदोलन किया पहली बार, सबसे पहली आवाज़ मैंने उठाई, तो पूरे भारत देश में शिवपुरी दतिया ग्वालियर मुरैना सारे देश में मेरे खिलाफ़ FIR की गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा। इसलिए आज मैं देश के नागरिकों को भी और सबको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर कोई सामाजिक न्याय की बात कर सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई कर सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ क्या उम्मीद करोगे उन लोगों से कि उनमें वही लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए हमारे आरक्षण के खिलाफ कौन हमारा विरोध करता है, वही लोग विरोध करते हैं। तो आज पूरा देश और SC ST OBC एक हो चुके हैं और हम सब लेकर इनसे पूरे बराबरी से लड़ाई लड़ेंगे, हर तरीके से तैयार हैं।
मेरा नाम विलास बले है और मैं भोपाल में निवास करता हूँ। मेरा पद है प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। तो किस तरह से तैयारी है जो यात्रा है सामाजिक न्याय यात्रा, किस तरह से आपकी तैयारी है, किस तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं आप? हमने भोपाल में निरंतर पिछले 2 महीने से सामाजिक न्याय यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरे भोपाल में जो हमारी छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने मीटिंगों के माध्यम से सामाजिक न्याय यात्रा में लोगों को निकालने की पहल करी है और अधिक से अधिक संख्या में हम भोपाल से लोगों को निकालेंगे और इस कार्यक्रम को भोपाल से ही अधिक संख्या में लोगों को निकालकर इसको सफल बनाने का काम करेंगे। और हमने भोपाल में एक विशेष मुद्दा हमारा रखा है हमने, जिसके अंदर कि हमें मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के और SC ST के लोगों को जाति प्रमाण पत्र का एक मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है जो कि हमारे पास है नहीं है और जिसके चलते हमें जाति प्रमाण पत्र आवंटित नहीं किया जाता। किस तरह से आप आगे की कार्रवाई करेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, इस मुद्दे साल का जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, अभी हमने उस मांग को हमारे इसमें रखा हुआ है, लेकिन अगर कभी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम भोपाल के, केवल भोपाल में हम लोग या पूरे मध्य प्रदेश में बोलो तो मध्य प्रदेश में इसको प्रदेशव्यापी एक आंदोलन चलाएंगे जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर, ताकि जो आरक्षण के मुद्दे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आरक्षण हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ हमें वैसे भी नहीं मिलेगा। तो हम इसको एक बड़े स्तर पर भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर।